महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई थी उस बैठक में न जाने का फैसला, उस पर बहिष्कार करने का फैसला हमने किया। इसका कारण पिछले 3-4 दिनों में महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना पद्धति से पुलिस का उपयोग करते हुए विरोधी पार्टी के लोगों को जान से मारने की हरकत की गई, प्रयास किया गया, इसके बाद संवाद के लिए जगह कहां बचती है। हमारा तो मानना यह है कि हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं होता। और अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति यहां पर चलेगी तो हम भी उसका मुकाबला करेंगे। हमने मुंबई महानगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल खोल यात्रा निकाली, रोज इनके भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया, कैसे इन्होंने मुंबई को लूटा ये जनता के सामने लाया, तो हमारी यात्रा पर हमले हुए, हमारे एमएलए पर हमले हुए, हमारे नेताओं पर हमले हुए। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से किरीट सोमैया जेड प्रोटेक्टी इन्फॉर्म करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर ये कहते हैं कि बाहर लोग मुझ पर हमला करने वाले हैं और पुलिस स्वयं उनको गुंडों के हवाले कर देती है, जिस प्रकार से मोहित कंबोज इनके ऊपर मॉब लिंचिंग का प्रयास होता है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये सरकार विरोधियों को कुचलना चाहती है, जान से मारना चाहती है। और वैसे भी हम गृह मंत्री के बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो उपस्थित ही नहीं है और ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी के इशारे पर चल रही है, तो फिर ये बैठक से निकलने वाला क्या है। इतना ही नहीं, तो एक विधायक इंडिपेंडेंट और एक सांसद इंडिपेंडेंट, ये लोग इतना ही अनाउंस करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान के सामने जाकर हम हनुमान चालीसा बोलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यह है कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? इतना हनुमान चालीसा से इनको नफरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक महिला को नामोहरम करने के लिए, एक महिला को पस्त करने के लिए हजारों लोगों को इकट्ठा किया जाता है, आने जाने वाले के ऊपर हमला किया जाता है, उनके घर में पुलिस भेजकर उनको अरेस्ट किया जाता है। और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि राजद्रोह का, देशद्रोह का, सिडिशन का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, ये राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती है, इल्लीगली उनको अरेस्ट तो किया ही जाता है, इस प्रकार के अलग अलग गुनाह तो लगाए जाते ही है। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है, उनको पुलिस कस्टडी में मिस्ट्रीट किया गया, उनको नीची जात का बच्चा बताकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीने का पानी तक नहीं दिया गया। एक महिला सांसद को वॉशरूम जाने के लिए भी परमिशन नहीं दी गई। इस प्रकार से बदले की भावना से महाराष्ट्र में इससे पहले हमने कभी कार्रवाई नहीं देखी। हम तो महाराष्ट्र को पुरोगामी कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे अहंकारी लोग आज सत्ता में हैं
कि जो अपने अहंकार के मद में लोकतंत्र को भूलकर, लोकतंत्र को पैरों तले दबाकर, लोकतंत्र को कुचलकर अपना राज चलाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, हम संघर्ष करेंगे, हम डरते नहीं हैं। आप हमारे जान पर हमला करेंगे तब भी हम आपका भ्रष्टाचार बाहर निकालेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके हमलों को वैसा ही जवाब देना हमको आता है। जिस प्रकार से आप हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप तो पुलिस के भरोसे कर रहे हैं, पुलिस को साथ में लेकर कर रहे हैं, लेकिन हम वैसे ही जवाब देंगे। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं इसलिए हम चुप हैं, लेकिन अगर पुलिस भी सरकार के साथ मिलकर हमारे ऊपर हमला करेगी तो यह समझ लेना चाहिए कि केरल में और बंगाल में हमारे सैकड़ों लोग मार दिए, फिर भी हमारा आवाज कोई दबा नहीं पाए, हम चुप नहीं बैठे, हम संघर्ष कर रहे। तो महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहां हमारी ताकत भी उतनी है। और इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार इस सरकार की ओर से हो रहा है, ऐसे समय हम गृह मंत्री की बैठक में नहीं जा सकते, इसलिए हम नहीं गए। जहां तक लाउड स्पीकर का सवाल है, हमारी भूमिका स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन होना चाहिए। जिस समय पुराने जमाने में हम भी देवी के नवरात्र में रात भर जगराता करते थे, हम भी गणेश जी के समय देर रात तक कार्यक्रम करते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह निर्णय दिया कि रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं चलेगा और केवल 15 दिन इसकी छूट दी जाएगी, तब से लेकर हमने 10 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम बंद कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, और अगर कोई करता नहीं है तो इस सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे। पुलिस कमिश्नर, बिकॉज़ ही सेज दैट द मुंबई पुलिस हैज अलाउड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टू डिटीरियरेट एट द बेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, डू यू बैक किरीट सोमैया'स डिमांड? किरीट सोमैया जी के ऊपर जो हमला हुआ उसकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए और इसमें जो जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या पार्टी के स्तर पर आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री वो या नड्डा जो, क्या आपने उनको जानकारी दी, उनका क्या कहना था? देखिए, मैंने इस संदर्भ में एक नोट गृह मंत्री जी को भेजी है, बाकी इनको हम अपने स्तर पर निपटेंगे। पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जब भी मुख्यमंत्री पर हमला किया जाता है तो उनको घर में उसका जो गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। नारायण राणे साहब ने इसमें देखा, अर्णब गोस्वामी या सदावर्ते या फिर ये अभी नवनीत राणा, क्या आपको लग रहा है कि पैटर्न इस तरह का बनाया गया? देखिए, देश के इतिहास में और महाराष्ट्र के इतिहास में ये सबसे इनटॉलरेंट, सबसे असहिष्णु सरकार इस रूप में प्रसिद्ध होगी, क्योंकि किसी ने भी लोकतांत्रिक तरीके से भी इनके ऊपर टीका की तो उनको घर पे जाकर पुलिस के माध्यम से झूठी केसेस उन पर लगाई जाती है। एक भी केस में, इनकी एक भी केस कोर्ट में नहीं टिकी, एक भी नहीं, कोई केस कोर्ट में नहीं टिकी। और हमारी पूरी तैयारी है, मैंने तो पहले ही कह दिया, हमारा कोई नेता डरता नहीं है, जितने केसेस लगानी है लगाए, हम संघर्ष करेंगे। सर, ठाकरे सरकार का आरोप है कि महाराष्ट्र में जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, बीजेपी जानबूझ के साजिश रच रही है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, आपकी क्या भूमिका? ऐसा है, रोने वाले लोग हैं, ये खुद ही खुद को झापड़ मारते हैं और जोर जोर से रोते हैं, मारा मारा मारा, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग है। जेल में नवनीत राणा के साथ बदसलूकी, थोड़ा सा एलैबोरेट हिंदी में बता दीजिए। देखिए, मैंने हिंदी में भी बताया है कि अभी अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है, श्रीमती नवनीत राणा जो निर्दलीय सांसद है,
हनुमान चालीसा बोलने पर उनके ऊपर सिडिशन की कार्रवाई, राजद्रोह की कार्रवाई की गई, उनको पुलिस कस्टडी में डाला गया। वे दलित समाज से, शेड्यूल कास्ट से आती है, उनको उनके समाज के ऊपर से गाली दी गई। एक महिला होते हुए भी पीने का पानी नहीं दिया गया, उनको वॉशरूम जाने नहीं दिया गया, और बहुत ही गंदा व्यवहार उनके साथ हुआ। ऐसा पत्र उन्होंने उनके वकील के थ्रू देश की लोकसभा के स्पीकर को भेजा है। मैं ऐसा मानता हूं महाराष्ट्र में एक काला इतिहास ये सरकार लिख रही है। आपने कहा कि हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में पढ़ेंगे, पाकिस्तान में तो नहीं पढ़ेंगे। आज ही एनसीपी की एक कार्यकर्ता है जिन्होंने एक लेटर लिखा है गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि उनको परमिशन दी जाए कि पीएम ऑफिस पीएम के घर पर जाकर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। ठीक उसी परिपाटी पर जैसे कंपनी द्वारा नहीं, अगर उनको मैं तो उनको आमंत्रण देता हूँ, उनको अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मेरे घर के सामने आए, हनुमान चालीसा पढ़े, मैं भी उनके साथ पढ़ने को जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा। लाउडस्पीकर को अगर हटाया नहीं गया तो क्या आप लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मस्जिदों के बाहर? देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ तो हम हमेशा ही करते हैं, और इसके ऊपर क्या कार्रवाई करना ये हमारी पार्टी में हम तय करेंगे। हम पहले ये देख रहे हैं कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करती है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी तय करेगी। फडणवीस सर, कल पीएम मोदी जी बॉम्बे में थे, प्रोटोकॉल के तहत सीएम को वहां जाना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने उस प्रोग्राम में जाकर उन बुजुर्ग महिला के घर गए जिन्होंने आंदोलन में शामिल हुए पूरे परिवार के साथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब कम से कम उद्धव जी उस महिला के घर गए तो बिचारी महिला 80 साल की उनके घर के सामने रात में आकर बैठी, वो महिला आक्रोश कर रही थी, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली, मुझे घर नहीं मिला, इतने साल में शिवसेना में हूँ, मेरे तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कम से कम उसके ओर ध्यान देकर उस महिला को घर मिले, उसके बेटे को नौकरी मिले, ऐसा थोड़ा सा प्रयास मुख्यमंत्री जी करें। और साथ साथ ये भी अपेक्षा है कि एसटी के स्ट्राइक में जिन कर्मचारियों ने आत्महत्या की उनमें से किसी के घर भी मुख्यमंत्री जी जाए, थोड़ी संवेदना दिखाए। जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनमें से एक आधे किसान के घर में मुख्यमंत्री जाए, थोड़ी संवेदना दिखाए।